अन्न घर में सात्विक होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने का परिणाम हम देख रहे हैं। हमने पशुओं को डराया, आज पूरी सृष्टि डर में जी रही है, मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। ये डर का कर्म वापस हमारे पास डर आया है। हमें अपने अन्न को बदलना होगा। अगर हमें शांत मन चाहिए, खुश मन चाहिए, शक्तिशाली मन चाहिए, तो हमारा अन्न सात्विक होना चाहिए। एक ऐसा प्रयास करें कि पूरा शहर सात्विक अन्न खाए, तामसिकता शहर से ही खत्म हो जाए। भारत देश, स्वर्णिम भारत, पवित्र भारत, देवी देवताओं की संस्कृति वाला भारत, ऐसे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए। प्रसाद वो थोड़ा सा नहीं होता, हमारा सारा अन्न प्रसाद है। एक पशु को जब हम देखते हैं स्लॉटर हाउस में, कैसी कैसी इमोशंस क्रिएट होती हैं उस जानवर के अंदर। उसको पता होता है उसको मारा जाने वाला है। जब हम सड़क पे देखते हैं किसी जानवर को चोट लगती है, हमें कितना बुरा लगता है, हम उसकी कितनी मदद करते हैं, हम उस जानवर को घर ले आते हैं, हम उसकी हीलिंग करते हैं। फिर हम वो नहीं देखते कि उस स्लॉटर हाउस में उस जानवरों के साथ क्या क्या किया जा रहा है, उस पशुओं के साथ। और जब वो उस जगह पर होता है, उसके अंदर नफरत, दर्द, दुख, अशांति, फिर हिंसा, फिर मृत्यु हमारी प्लेट में आता है। और हम कहते हैं हेल्थ है ये, स्वास्थ्य है ये। ये हेल्थ नहीं है, ये प्रोटीन्स है। लेकिन प्रोटीन्स विद एनर्जी ऑफ दर्द, दुख, नफरत, गुस्सा, हिंसा, मृत्यु, ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं हो सकता है। ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं हो सकता है। अपने घर में जब किसी की डेथ होती है, तो हम एक दिन से ज़्यादा उनका शरीर घर में नहीं रखते हैं। वो हमारा परिवार का सदस्य है, फिर भी हम कहते हैं नहीं, अब चलो अंतिम संस्कार करो। और रसोई में देखो फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है और कितने कितने दिन से रखा हुआ है, और उसको हम हेल्थ कहते हैं, क्वेश्चन मार्क है। 3 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखिए, सात्विक अन्न, मन की स्थिति बदल जाएगी, लाइट फील करना शुरू करेंगे, क्योंकि बोझ, दर्द, दुख वाला खाना नहीं खाया होगा। खाना बनाने के समय मन की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन ऐसा बनाएं जैसे पूरे परिवार के लिए प्रसाद बना रहे हैं। सात्विक अन्न सिर्फ वेजिटेरियन नहीं होता, सात्विक अन्न मतलब हाई एनर्जी फूड। हाई एनर्जी फूड मतलब जो बहुत हाई एनर्जी मन की स्थिति में बनता है। इसलिए हम सबको प्रसाद अच्छा लगता है, अमृत अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रसाद परमात्मा की याद में, सेवा भाव में बनता है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है। एक और संस्कार बदलने की ज़रूरत है पूरे परिवार को, बच्चों को, जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, सिर्फ और सिर्फ घर का खाना खाना चाहिए। हम आजकल बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने लग गए हैं। बाहर का खाना पैसे के लिए बनाया जाता है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस के इंटेंशन के वाइब्रेशन होते हैं। बनाने की मन की स्थिति, अगर बनाने वाले की मन की स्थिति में चिंता होगी या दुख होगा, खाने वाले को चिंता और दुख होना शुरू हो जाएगा। बनाने वाले की मन की स्थिति का खाने वाले की मन की स्थिति पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इसलिए भोजन बड़े ध्यान से बनाना चाहिए। चिंता, दुख, गुस्से में कभी खाना नहीं बनना चाहिए। और हमें क्लियर होना चाहिए हम किसके बने हुए, किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, पहले ज़माने में लोग अपना खाना अपने साथ लेकर जाते थे, यहाँ तक कि अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उनको पता था वो जिस घर का पानी पियेंगे, उस घर की सारी बातें उनके मन की स्थिति पर आ जाएंगी, क्योंकि पानी वाइब्रेशन को डायरेक्टली अब्सॉर्ब करता है। बड़े ध्यान से लेना चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं किस शहर का पानी पिया है, किसके घर का नमक खाया है, वैसे संस्कार बन जाते हैं, क्योंकि अन्न और पानी का डायरेक्ट असर पड़ता है।
तो बना सकते हैं प्रसाद रोज़ घर में, बनाना शुरू करें प्रसाद। जिस घर में प्रसाद बनेगा, जिस घर में पानी अमृत बन जाएगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा। उस घर में सारे देवी देवताएं वाले संस्कार वाले हो जाएंगे, सब देने वाले हो जाएंगे, क्योंकि सात्विक प्योर शक्तिशाली प्रसाद रोज़ खाते हैं। खाना जहाँ बन रहा है रसोई घर, वहाँ 24 घंटे परमात्मा की याद के गीत चले, मंत्र चले, भजन चले, लेकिन 24 घंटे रसोई घर में चलता रहे। एक एक शब्द जो भोजन में जाएगा, सब्जी फल पानी में जाएगा, हाई एनर्जी वाइब्रेशंस, रसोई घर मंदिर बन जाएगा, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा। खाना खाने से पहले, बचपन से सीखा था कि खाना खाने से पहले परमात्मा को याद करना है। कौन कौन तीन टाइम खाना खाने से पहले रुक के पहले भगवान को याद करके फिर खाना खाते हैं? कौन कौन टीवी के रिमोट को याद करके खाना खाते हैं? किसी एक को तो याद करेंगे ही ना। एक मर्यादा बना लीजिए घर की कि खाना खाते समय हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा और हमारे घर में कोई फ़ोन अपने पास नहीं रखेगा खाना खाते समय। सिंपल मर्यादा है, न फ़ोन न टीवी खाना खाते समय। खाना खाने से पहले भगवान को याद करके, उसको शुक्रिया करके, और फिर उस भोजन में अपने वो संकल्प डाल के, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हो, अपने भोजन और पानी में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प डालें, वो प्रसाद बन जाता है। हम सब घर पे प्रसाद बना सकते हैं। तो धन दुआओं के साथ आएगा, अन्न सात्विक खाएंगे, अन्न खाते समय फ़ोन और टीवी ऑन नहीं रहेगा, और मन के लिए सुबह का पहला घंटा ज्ञान के साथ शुरू होगा। नो फोन नो टीवी सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा। कुछ नेगेटिव अंदर नहीं जाना चाहिए। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज लाखों लोग आते हैं, सारे विश्व में 140 देशों में सेंटर है, आपके शहर में एक बहुत प्यारा सा सेंटर है, 9000 सेवा केंद्र सारे विश्व में हैं, लाखों लोग घर पे रहते हैं, परिवार संभालते हैं, रोज़ काम पे जाते हैं, लेकिन एक घंटे के लिए सेंटर आते हैं, सिर्फ एक घंटे के लिए। मेजॉरिटी सब सुबह आते हैं, जो सुबह नहीं आ सकते वो शाम को आते हैं, और जो दोनों टाइम नहीं आ सकते वो दिन में कभी भी आते हैं, लेकिन एक घंटा ज़रूर आते हैं। परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर, हम सब ने पिछले हफ्ते शिवरात्रि मनाई। शिवरात्रि मतलब इस कलयुगी सृष्टि पर जब रात्रि होती है तब निराकार परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, हमें जीवन जीने का ज्ञान देकर, संस्कार परिवर्तन का ज्ञान देकर, हमारे द्वारा इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाते हैं। ये वो समय चल रहा है जहाँ एक तरफ घोर कलयुग है और दूसरी तरफ हम सब मिलकर सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। तो उसके लिए रोज़ सुबह एक घंटा ज्ञान और मेडिटेशन, मतलब परमात्मा से कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जो हम डायरेक्ट रिश्ता उस भगवान के साथ अनुभव करते हैं, निराकार परमात्मा के साथ एक पर्सनल डायरेक्ट रिश्ता, हर बात उसके साथ कर सकते हैं, हर बात का आंसर मिलता है, उसका साथ हमेशा फील होता है, जीवन में निश्चिंत, परमात्मा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, जहाँ कोई फिक्र ही नहीं है।